हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक दिल्ली टू आगरा इन 15 मिनट्स ऑन हायाबुसा। हायाबुसा, ओ हायाबुसा, हायाबुसा क्या है? बाइक। ओ वाओ, पता है? मैंने कहा शायद तुम कहोगे मेरा कोई कजन है। किसने कहा था सिटी का नेम? सिटी का नेम किसने कहा? तूने? यार पता है यार। ओ वाओ, अमेजिंग, आई लव। ओके, दिल्ली टू आगरा तो भाई वो जा रहे हैं 15 मिनट में ओन हायाबुसा। ओन क्या? वो सिटी सिटी के ऊपर जाएंगे। ना, मैंने बाइक कहा था। चलें चलें, हम देखते हैं भाई, पहले वीडियो देख लेते हैं। R1 एक्सट्रीम, तो रोड ट्रिप और यहाँ से चल रहे सीधा आगरा। आगरा लखनऊ नहीं, पहले आगरा। तो ये अलग अलग राइडर्स एंड कुछ स्पेशल इवेंट है, कुछ स्पेशल चीजों के लिए जा रहे हैं हम। एंड लेट्स सी कौन कौन क्या क्या करने वाला है। तो बाइक से यहाँ पे ZX10R, Yamaha R1, BMW S1000RR, देन 10RR और अपनी वायरल। सो आगरा इज 185 किलोमीटर्स एंड लेट्स रोल। तो सबसे पहले अपन स्टॉप लेंगे जेवर का, अपनी बैकअप कार आ चुकी है एंड वी आर मूविंग। तो भाई ये अपन बिल्कुल रेडी, और ये आ गई 10RR। एक बार आवाज़ सुनी लो आप। चलो लेट्स गो। तो टाइम टू राइड। एक दो तीन चार पांच, पांच बाइकर्स एक कार एंड स्लो स्पीड व्हीकल्स। चलने का टाइम आ गया। सेम है तो हमारे जैसे मोटरवेज पे होता है ना स्लो स्पीड, लेकिन उधर तो बाइक नहीं लो। देख तो सही वो कितनी स्पीड में जा रहा है, और ये देखो उसको कितनी स्पीड में क्रॉस किया है। भाई सबसे फास्ट यही है। वो 300 पे तो 185 किलोमीटर का कोई पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ गया, कैसे गया है ना। और आप ये देखो कि जो रोड है वो कितना जबरदस्त, एक्सप्रेस वे कितना बढ़िया है, मतलब लो स्पीड इस पे लो नहीं है, और आप आराम से ना। मजा आता होगा, निकल गया आगे भाई।
गया बाकी सारी बाइकें जो है 1000 वैसे बिल्कुल नीचे हुआ पड़ा है ना तो इस वजह से वो आगे शील्ड आ रही है वो हाँ प्रेशर तो टर्बो एक्सट्रीम वो बहुत आगे निकल गया उन्होंने भी अब स्पीड मारी है लेकिन ये भाई कर लेगा उनको चेज कर लेगा सारे राइडर्स वैसे पीछे रह गए मैं काफी तेज खींच रहा हूं आ गया बट काफी स्पीड में आ रहे हैं वो भी ऐसी बात नहीं है बिल्कुल बैक टू बैक ही चल रहे हैं सारे एंड मेरी जैकेट पीछे से उड़ रही है तो मैं थोड़ा सा गियर अप कर लिया ये मैंने गियर ड्रॉप किया एंड ये जब क्रॉस करते हैं कैसी आवाज आती है यार लगा हुआ है पकड़ा होगा हेलमेट में लगा है GoPro पकड़ा होगा बहुत अच्छे इतनी हाँ स्पीड लिमिट नहीं कोई ट्रैफिक ये वो नहीं स्पीड लिमिट होनी चाहिए भाई लाजमी होगी ये तो हो ही नहीं सकता कि स्पीड लिमिट ना हो नहीं लेकिन ये है कि वो फॉलो नहीं ना कर रहे स्पीड लिमिट को भाई स्पीड लिमिट तो रहेगा 120 का रहेगा इधर इस रोड पे मेरे ख्याल में 120 होगा ये रोड जैसा रोड है लेकिन 300 इज मोर देन डबल के जो साइन बोर्ड है वो भी नहीं पढ़ा जाता इतनी तेजी से वो गुजर जाता है ओह माय गॉड तो हम पहुंच गए जेवर 71 किलोमीटर मैं आ चुका हूं टोटल राइड पे 758 टाइम क्यों रोकना था बहुत अच्छे उसका दूसरा दोस्त है बाइकर है पुलिस ने रोका पुलिस के रुकने से ये रुकते हैं पुलिस पकड़ ही नहीं सकती इनको क्योंकि ऐसी बाइक्स पुलिस के पास भी नहीं होती तो अब फ्यूल अप कराएंगे यहाँ से पेट्रोल पंप से निकल गए पेट्रोल पंप ये रहा पेट्रोल डलवा लिया मैंने फुल तो 570 रुपए का डला है 72 किलोमीटर पे तो 72 किलोमीटर चली है बाइक और 570 रुपए का पेट्रोल डल चुका है इसमें दोबारा मतलब 570 रुपए में 72 किलोमीटर चली है 72 किलोमीटर तो आइडिया लगा लो कितनी देर लगी 8:18 काफी देर हो गई थी यहाँ पे खड़े हुए And let's roll. उसको निकल गया कहता है आओ रोडियम ना आ रही है रोडियम उसके खोल
साथ गाड़ी उनकी है भाई, अपनी है। फिर भाई मेकअप के लिए साथ गाड़ी भी रखते हैं ना, खाना खाना तो कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर। मेरे साथ चोट हो चुकी है कि मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा पैन कार्ड एंड मेरा आधार कार्ड ये सारे गुम हो चुके हैं। कोई भी चीज़ उस टाइम मेरे पास में नहीं है एंड मेरे पास उनकी कोई डिटेल भी नहीं है, तो ब्लॉक भी नहीं करा सकते। तो वैसे भी मैं सोचूंगा जहाँ पे जब रुक जाएंगे कि ब्लॉक कैसे कराना है। 8:50 एंड सेकेंड टॉल हमने क्रॉस कर लिया है। ये क्या था? डरा दिया तुमने तो है। सफर करो। हम 50 किलोमीटर आए 17 मिनट में। 50 किलोमीटर पचास किलोमीटर में बेटा 50 हो ही लगते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में कोई रेस्टोरेंट है शायद, वहाँ पे ब्रेक लेंगे। सो आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, लीड मैं नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ओके हमें एक्सप्रेसवे पे ऊपर चढ़ना है लखनऊ आगरा वाले में। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग। वेदर भी अच्छा हो गया ना। तो ये हाईवे की वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है एंड बहुत ज़्यादा ही तारीफ सुनी है। क्या जबरदस्त बना यार। और वैसे 5 बाइक इकट्ठे हो, जिसमें से ये एक है ZX10R पुरानी वाली, एक ZX10RR, एक R1M, एक BMW S1000RR और एक अपनी वायरल। रूल करती है, मतलब 250 के बाद इतना मुश्किल है एक
एक लीडर क्लास बाइक को इसको टक्कर देना, मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं पाते। एंड इवन शुरू में 0 to 60 या 0 to 70 या 0 to 100 भी मान लो, उसमें भी ये एक बार आगे निकल जाती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बाइक स्पिली कर रही होती है, वो हवा विंड ब्लास बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद आवाज़ सही ना आ रही हो। इसी नोट पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कैमरा चल रहा है चेक कर लिया मैंने। गाइस अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। कैसा बात है, बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया। तुम डरे क्यों थे? लेकिन ये है वेरी रिस्की तो है, लेकिन इंडिया का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इज वेरी वेरी गुड, तो इस वजह से वहाँ पे तो ऐसी बाइक्स जो है डेफिनेटली डिजर्व्स देयर। और यहाँ पर अब देखो कि हमारे जो सबसे अच्छे रोड्स हैं जिनको हम कहते हैं कि यार क्या रोड्स हैं, ठीक है, उनसे अच्छे उनके हाईवेज हैं, उधर बिल्कुल है, हम जिनको मोटरवेज कहते हैं, तो हमारे वहां पर हमारे उधर बाइक लो नहीं है। कैसी बात है, हमारे बाइक उधर ही लो है जहाँ पे जब खड्डा ठक ठक ठक, और उधर इतनी स्पीड चला नहीं सकते क्योंकि कोई पता नहीं किधर से कुत्ते ने आगे आ जाना है। कुत्ते का डर सबसे ज्यादा जो बाइक के ऊपर डर रहता है ना गाइस, वो कुत्ते का रहता है, क्योंकि वो हम उस दिन गाड़ी पे आ रहे थे और गीदड़ जो था वो उड़ा दिया हमने, फिर आते हुए दो गीदड़ थे, एक बजे चोट नहीं लगी तुम्हें? अच्छा। उड़ा लिया था ना हमने तो, हमारे सामने घर में आया है एक, मैंने गुजरात एक गीदड़ एक हमने उड़ाया था, लेकिन गाड़ी से उड़ाना और बाइक से तो आप खुद उड़ते हैं ना, गाड़ी से आप उड़ा देंगे कुत्ते को, लेकिन जब बाइक के आगे आएगा तो फिर आप खुद उड़ने का डर रहता है, तो इस वजह से हाँ आपको ज्यादा नहीं लगेगी, आपको ही लगेगी। कितनी ज्यादा ऊपर कर दिया तुमने, ठक की आवाज आई थी ऐसे, हां वो नीचे आया था ना उसके लगा था, फिर ऊपर से गुजर गई गाड़ी, बिल्कुल उसको वेट बहुत है, तुम जैसे तो वैसे उसमें उसमें संभाला ही ना जाए, तुमसे तुमसे तो वैसे गिर जाएगी, पीछे बैठ के उड़ जाओ, जैसे उस दिन गली में आते जाते हो तो 70 cc और कहाँ पे 1200 cc घर के पास आने के लिए क्या हुआ, मैं उतरता ही ऐसे 70 पे रेस लगाई थी वो भी गिरने मिल गए हम लोग बच गए। अच्छा 125 वाला पीछे है और 70 वाला नीचे है। चलें गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।